हेल्थ केयर फॉर ऑल, इस विजन के साथ भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में देश भर में एक सशक्त और आधुनिक हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की दिशा में अभूतपूर्व प्रगति की है। आज सबके लिए सस्ती और सुलभ स्वास्थ्य सुविधाएं सुनिश्चित हो रही हैं। प्रिवेंटिव और होलिस्टिक हेल्थ केयर पर आज विशेष बल दिया जा रहा है। जब सदी के सबसे बड़ी महामारी के दौरान पूरी दुनिया डर के साए में जीने को मजबूर थी और विकसित से विकसित देश भी इस त्रासदी से जूझने में खुद को असमर्थ पा रहे थे, उस समय आत्मनिर्भर भारत के मंत्र के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने न सिर्फ कोरोना वैक्सीन का निर्माण किया और विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान भी चलाया, बल्कि कई देशों की मानवीय आधार पर मदद की, जिसने भारत की ग्लोबल फार्मास्यूटिकल हब के रूप में पहचान को सशक्त किया। हमारी फार्मा इंडस्ट्री का रोल ये दिखाता है कि भारत जिस भी क्षेत्र में समर्थ होता है उसका लाभ पूरी दुनिया तक पहुंचता है। आत्मनिर्भरता के इसी विजन के साथ देश की मेडिकल आयात निर्भरता को कम करने और चिकित्सा उपकरण क्षेत्र को बल प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश भर में चिकित्सा उपकरण पार्क और बल्क ड्रग पार्क स्थापित करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया। आत्मनिर्भर भारत के अभियान में हिमाचल के माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की डबल इंजन की सरकार ने मजबूत भागीदारी की तथा प्रदेश में इन पार्कों के लिए सस्ती जमीन, स्टाम्प ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क में छूट सहित भारत में सबसे कम दर पर बिजली जैसी कई रियायतों की घोषणा की। जयराम ठाकुर जी के प्रयासों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पूरे भारत में इकलौता ऐसा राज्य बना जिसे दोनों पार्कों की स्वीकृति मिली। केंद्र व राज्य सरकार का ये समन्वय राज्य में औद्योगिक व आर्थिक विकास की नई गाथा लिख रहा है। हिमाचल के सोलन में स्थित सामरिक महत्व वाले नालागढ़ में मेडिकल डिवाइसेस पार्क स्थापित किया जा रहा है। पार्क में लगभग 350 करोड़ रुपए मूलभूत संरचनाओं के विकास पर खर्च होगा। इस अत्याधुनिक मेडिकल डिवाइसेस पार्क में 5,000 करोड़ रुपए के निवेश की संभावना है, जिससे राज्य में 10,000 लोगों के लिए रोजगार के मौके बनेंगे। साथ ही साथ इससे क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। यह पार्क हिमाचल प्रदेश के चिकित्सा उपकरणों की मांग पूरा करने के साथ साथ राज्य को एक मजबूत मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में स्थापित करेगा। इस मेडिकल डिवाइसेस पार्क को अगले 2 वर्षों के अल्प समय में स्थापित कर लेने का लक्ष्य है। इसलिए आज देश के जनमानस में यह मंत्र गूंज रहा है, शक्ति डबल हिमाचल प्रबल, दोहरी ताकत से यूं ही बढ़ता चल, यूं ही बढ़ता चल।